अरे हम है हम, अरे हम है आपके साले, किस बात का गम? अरे साले साहब, वो अपन अपने चित्रगुप्त जी नजर नहीं आ रहे हैं। चित्रगुप्त जी? अरे ओ चित्रगुप्त जी, नहीं तो अच्छे देख रहे चित्रगुप्त जी। अरे ओ चित्रगुप्त जी, पता नहीं कहीं कहीं भ्रमण के करने चले गए। वो आपके पास जो एक यंत्र है उससे आप लगाइए। अच्छा अभी लगाते हैं। अच्छा एक्टिंग कर रहा है ना। हेलो चित्रगुप्त जी हैं? हाँ बोलिए। अरे आप कहाँ हैं महाराज? यमराज जी खोज रहे हैं आपको। अरे मैं आपको क्यों बताऊं? आपको नौते मुझसे सवाल जवाब करने वाले। हम का साला है नंगर भर। अरे महाराज को दीजिए। अरे लीजिए महाराज, अभी से बात करनी। क्या कहा उन्होंने? वो तो हम यमराज से ही बात करें। हाँ चित्रगुप्त जी, महाराज की जय हो। कहाँ हैं आप महाराज? मैं पृथ्वी लोक पे हूँ। पृथ्वी लोक पर? ऐसी क्या जटिल समस्या आ गई जो आप पृथ्वी लोक पे चले गए? अरे महाराज बहुत जटिल समस्या है, मैं सोचा कि आप व्यस्त रहते हैं, मैं ही चला आता हूँ। सिद्ध मेरे पास आए, अभी आया महाराज। महाराज की जय हो, जय हो। कैसे याद किया महाराज? कितनी समस्या हो गई, भीड़ चल रहा है हमारे यम लोक में, आप कहाँ चले जाते हैं? अरे महाराज यम लोक से ज्यादा समस्या पृथ्वी लोक पे है। समय से पहले मानव जो है मृत्यु हो रहे हैं, जिनकी आयु अभी ठीक से पूरी भी नहीं हुई है, वो लोग जो है यमलोक में आ रहे हैं। तो वही खाता भर गया है महाराज। भाई खाता भर गया? अरे हाँ महाराज, ये नादानी के वजह से पृथ्वी लोक पर जो मानव है कुछ नादानी कर दे रहे हैं, जिसके वजह से ये घटना हो रही है और वे वक्त वो मारे जा रहे हैं महाराज। तो बहुत जटिल समस्या है। हाँ महाराज, ऐसा करो चित्रगुप्त, मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी से चलता हूँ। आप चलिएगा पृथ्वी लोक में। अरे तुम तो वहाँ क्या करोगे? देखिए क्या हो गया, क्या हो गया? इधर उधर चिट्ठी काटता है। अरे तो करोगे क्या वहाँ पृथ्वी लोक पे जाके? जो आप लोग कीजिएगा मैं भी करूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है पृथ्वी लोक पे। आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक दिन के लिए पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ। यहाँ का राजपाट कौन देखेगा? एक दिन आप इसको संभालिए। अरे महाराज, अरे किसको राजा बना रहे हैं, ये संभाल पाएगा? अरे आप मुझे घर से निकलवाएंगे क्या? अरे दुलरवा साला है। आज से हम अच्छा यम लोक का राजा है। पंजाब यम लोक का। अरे तुमको तो पूरा भैया खाता छीन लेंगे, समझा? बात कर ना तुम। अरे सही कर लूंगा मैं, राजा हूँ राजा। अरे महाराज छोड़िए, चलिए पृथ्वी लोक पे हम लोग चलते हैं। ठीक है हम चल रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब कोई नादानी नहीं होनी चाहिए। पूरे सबको खींच लेंगे यहाँ। अरे ऐसा काम गलती करेगा तो खींचवे करने के। अरे हम है ना, आपको सिर्फ देखना है। जाइए देखिए आप, चलिए। क्यों ना हम लोग अपना वेशभूषा चेंज कर ले? वेशभूषा चेंज क्यों? इस वेशभूषा में कोई दिक्कत है क्या महाराज? सुनते हैं कि पृथ्वी पे जो है
बहुत सारे जानवर है, खासकर पालतू कुत्ते, वो कहीं हम लोग में। अरे हाँ महाराज, कहीं हम लोगों को देखकर वो काट ना खाए। तुम चिंता मत करो, अगर कोई भी वैसा कुत्ता आएगा तो उसे मैं इससे दंड दूंगा, ठीक है। अरे महाराज, वो देखिए मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, बाइक चला रहा, मैं तो लड़की घुमा रहा था। पहिया वाहन महाराज, ये क्या ऐसे लगता है? अरे इसको लहरिया कट बोलते हैं, जिसके वजह से इसका जान तो जाएगा ही जाएगा और साथ में किसी को और भी ले लेगा। अरे मानव, देखा महाराज, अभी इसका जो है क्या उम्र ही हुआ, 25-30 का होगा। ये देखिए, ये अब मरने वाला है और इसके घर में एक विधवा माँ है, उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं समझा, इसकी आयु महाराज बहुत लंबी थी, लेकिन ये नादानी के वजह से क्यों हो रही है महाराज? इसकी माँ को खबर कर देना ये बेवक्त जो है मारा गया, अब हम लोगों को लेके ही चलना पड़ेगा। क्यों? यही इसकी माता है महाराज, बालक की माता है। कोई तो मदद करो, इसका एक ही सहारा था वो। मेरे बेटा को इतने भीड़ है, बाजा करने वाला भी लोग है महाराज, वहाँ सिर्फ अपने लोग। महाराज, इस माता का रुदन देखकर मन बहुत करुणा हो गया। हम लोग पृथ्वी लोक पे आए हैं, इसको जीवन दान दे दिया जाए। यह नियम के विरुद्ध है चित्रो। ये बात तो सही है महाराज, क्योंकि हम लोग आए भी है पृथ्वी लोक पे देखने के लिए, और इस माता का कोई नहीं है। एक बार समझा बुझा दिया जाए महाराज। देखो तुम वहाँ को इसका समझा। माते, साक्षात यमराज जी आए हैं मारे। माते, आप इस तरह से रोए नहीं। अरे इनसे विनती करें, आपका बच्चा का जीवन फिर से आ जाएगा। तुम रो क्यों रही हो? मर गए ना? पटना जंक्शन के पास ये शोर हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी हेलमेट वेलमेट लगाइए, नहीं तो देख सकते हैं कैसे दुर्घटना हो जा रहा है। कोई पूछने भी नहीं आ रहा है, यही देश का हाल हो गया है। चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। हेलमेट का गाड़ी नहीं चलाएं, और अगर चरपहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाएं, और जब सिग्नल हो तभी गाड़ी चलाएं। बिना सिग्नल के गाड़ी नहीं चलाना है, और गलत दिशा में कभी भी गाड़ी ना चलाएं। और गाड़ी चलाते समय
ये ध्यान रखें कि जब आपका सिग्नल हो तभी गाड़ी चलाएं, गलत दिशा में गाड़ी नहीं चलाना है। और कभी भी नो पार्किंग जोन में गाड़ी को पार्क ना करें, इससे आपको और दूसरे को भी असुविधा होती है। और आप लोगों से अनुरोध है, बार बार नम्र निवेदन है कि अभी आपने देखा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि कैसे जो है बिना हेलमेट के लहरिया कट लड़का गाड़ी चलाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी तो ये नाटक था, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपकी एक्सीडेंट होती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके जब भी गाड़ी चलाएं, गाड़ी चलाने में ये जरूर ध्यान रखें कि जो दोनों व्यक्ति हेलमेट लगाएं और हेलमेट ISI मार्का का हो। और जब भी चरपहिया वाहन चलाएं सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाएं और तेज गति में भी गाड़ी ना चलाएं। और जब सिग्नल हो तभी गाड़ी चलाएं, सिग्नल नहीं रहे तो सिग्नल पे आपको रुकना है। दूसरी बात कि गलत दिशा में गाड़ी को नहीं ले जाना है, जहां पे यू टर्न नहीं है यू टर्न एरिया में गाड़ी को नहीं लेके जाना है। और जिस जगह पे पार्किंग की व्यवस्था है उसी जगह पे गाड़ी पार्क करें, इधर उधर गाड़ी पार्क ना करें। और आपने हमारा नुक्कड़ नाटक देखा।